हम लोगों का दो क्वेश्चन बच गया है इस पेपर में. तो फर्स्ट वी डिड क्वेश्चन नंबर वन, देन वी डिड फोर फाइव, देन वी डिड टू, नाउ थ्री, देन सिक्स. राइट, सिक्स तो थ्योरी है. सो क्वेश्चन नंबर थ्री ए, राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम है एंड इस टाइप का सम्स वी हैव डन इन आवर क्लास. तो आप लोगों को ये सम देखा देखा सा लगेगा. अ गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30, 15, 10, 70, 65, 50. नॉर्मल वर्किंग आवर 40 है, ठीक है. स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब बजटेड आउटपुट 2000 है, लेकिन एक्चुअल में 40, 10, 5 है, ठीक है, और 1600 प्रोडक्शन हुआ है. तो पहले अपने क्या करेंगे, कॉस्ट कार्ड. राइट, आवर्स, रेट, कॉस्ट. आवर्स, रेट, कॉस्ट. स्टैंडर्ड आउटपुट 2000, लेकिन एक्चुअल आउटपुट है 1600, ठीक है. नाउ स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. 40, 30 वर्कर इंटू 40 घंटा 1200 घंटा, 15 इंटू 40 600 घंटा. राइट, और 10 इंटू 40 400 घंटा. व्हाट इज द रेट, 70. दिस इज लाइक 65, दिस इज लाइक 50. नाउ ये वाला जो कॉस्ट है ना, इसका कोई यूज नहीं है. राइट, अच्छा, 40 इंटू 40 1600 घंटा, ओके, 10 इंटू 40 400 200. रेट है 75, 60, 52. 75, 60, 52, ठीक है. नंबर ऑफ वर्कर्स को वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. तो 1600 इंटू 75 करेंगे तो 120,000 आएगा. ये आएगा 24,000 और ये आएगा 10,444. सो 154,400. राइट, तो ये हमारा कॉस्ट कार्ड हमने बना लिया. ठीक है, अच्छा, इसमें आइडल टाइम है 160, 4 घंटा लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन. इसमें है 40, इसमें है 20. तो सब में कहीं ना कहीं आइडल टाइम दिख रहा है आपको. तो जब रेट वेरिएंस निकालेंगे तब अपने क्या करेंगे, रेट वेरिएंस निकालते वक्त पूरा एक्चुअल आवर लेंगे, लेकिन व्हेन यू कैलकुलेट एफिशिएंसी इन दैट केस यू टेक प्रोडक्टिव. इज दैट फाइन एवरीवन? नाउ
हम लोगों को कौन कौन सा वेरिएंस बोला है? दे हैव टोल्ड अस फाइव वेरिएंस, लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, मिक्स एंड यील्ड, मिक्स एंड आइडल टाइम, सॉरी यील्ड नहीं बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल गो फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। नाउ 1200 2000 बजटेड के लिए है, लेकिन अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए, तो स्टैंडर्ड आवर कितना आएगा हमारा? 1200 घंटा 2000 के लिए है, तो 1600 के लिए कितना आएगा? इनटू स्टैंडर्ड रेट, दिस विल गिव मी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इजंट इट? माइनस 1,20,000 इज योर एक्चुअल कॉस्ट, सेमी स्किल्ड 600 इज फॉर 2000, हाउ मच विल बी फॉर 1600 इंटू 65 माइनस 24,000, देन यू हैव अनस्किल्ड 400 फॉर 2000, हाउ मच फॉर 1600 इंटू 50 माइनस 10,400, राइट? इट इज डन लाइक दिस ओनली, इसी तरीके से यह किया जाता है। सो यू आर गेटिंग 960 स्टैंडर्ड आवर, अगर देखा जाएगा स्टैंडर्ड आवर अगर निकालू मैं 960 आवर्स आएगा इसका, इट विल बी 480 आवर एंड इसका इट विल बी 320 आवर, राइट? बाद में काम आएगा। सो इट्स लाइक दिस, नाइन सिक्सटी स्टैंडर्ड आवर इंटू 70 माइनस, सो इट इज कमिंग टू 52,800 एडवर्स, सेकेंड वाला आ रहा है 480 इंटू 65 माइनस 7,200 फेवरेबल। ये स्किल्ड वाला इतना ज्यादा वेरिएंस क्यों आ रहा है, एडवर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने 30 वर्कर स्किल्ड रखा था बट अपने 40 कर दिया उसको, ये आ रहा है 320 स्टैंडर्ड है इंटू 50 माइनस 10,400, तो ये भी आ रहा है 5,600 फेवरेबल। सो नेट में यू हैव दिस प्लस 7,200 माइनस 52,800, सो दैट कम्स टू नेट में इट इज कमिंग 40,000 एडवर्स, नेट में इट इज 40,000 एडवर्स, इजंट इट? नेक्स्ट, लेबर रेट वेरियंस, दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर पेड फॉर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड इज 75, 60, 52 इंटू एक्चुअल आवर 1600 400 200
1600, 400, 200। -5, 8000 एडवर्स, +5, +5 इंटू 400, 2000 फेवरेबल, -2, 400 एडवर्स, तो नेट में आएगा 6400 एडवर्स। देन वी हैव लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 960। नाउ यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्टिव लेना है, 960, 480, 320 माइनस 1600 में से 160 गया, 400 में से 40 गया, 200 में से 20 गया, 1440 आवर, 360 आर, 180 आर इंटू 70 इंटू 65 इंटू 50, 480 इंटू 70, 480 इंटू 70, 3360 एडवर्स, 120 इंटू 65, 120 इंटू 65, 7800 फेवरेबल, 140 इंटू 50, 7000 फेवरेबल, सो इट्स लाइक दिस प्लस 7800 प्लस माइनस 33600, 18800 एडवर्स, 18800 राइट। नाउ लेट अस डू इट लेबर आइडल टाइम। पहले दैट्स आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, वेरी सिंपल, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, दैट इज 160 इनटू 70, 40 इनटू 65, देन 20 इनटू 50, comes to 11200 adverse, right, 116 to 70, 14 to 65, राइट। नाउ लेबर मिक्स वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स, मतलब जो हमारा एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड रेशियो में होना चाहिए, राइट। तो टोटल कितना है, 2200, दिस शुड बी इन व्हाट रेशियो, इनका रेशियो है 632, 632, 1200, 600, 400,
सो टोटल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर 1440 प्लस 360 प्लस 180 दैट कम्स टू 19 कितना कितना। तो स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है? टोटल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो, राइट? तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो 1980 आवर्स इनटू 6 बाय 11, 1980 आवर्स इनटू 3 बाय 11, 1980 आवर्स इनटू 2 बाय 11, दैट कम्स टू 1080 आर, इट कम्स टू 540 आर, राइट? इज दैट फाइन? डन। अभी अपने को निकालना है लेबर मिक्स वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। 1080 आर, 540 आर, 360 आर। ठीक है, देन दिस इज 1440 आवर, 360 आवर, ये आएगा 180 आवर इंटू 70 इंटू 65 इंटू 50। बोलिए। पच्चीस हजार 200 एडवर्स, इसका आ रहा है 11700 फेवरेबल। और बोलो कितना? 9000 फेवरेबल। तो नेट में कितना आ रहा है बेटा? 4500 एडवर्स। आप बेटर क्वालिटी इनपुट डाल रहे हैं, 30 से आपने एक्चुअल में 40 कर दिया स्किल्ड का, राइट? काजू का बर्फी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, रिमेम्बर? चीनी सस्ता होता है, काजू महंगा होता है, दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन लगता है। तब काजू का कंटेंट बढ़ा देंगे, चीनी का कंटेंट कम कर देंगे, तो आपका क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगा। वहीं आपको काजू कतली बहुत मीठा भी मिलता है बाजार में, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड का वर्कर निकाल के हम स्किल्ड में डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा मिक्स वेरियंस एडवर्स में आ रहा है। कुछ कुछ सम होगा एग्जाम में ऐसा जिसको करने में आपको टाइम लगेगा, कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर 90 मार्क्स, अटेम्प्टिंग 90 मार्क्स। राइट। अभी हम लोगों का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B। Answer to
राइट तो क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन लग रहा है देखने से। तो एमएनओ लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट ए एंड बी एंड एब्जॉर्ब्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। वेरी गुड। तो ट्रेडिशनल में डायरेक्ट लेबर आवर, बजटेड ओवरहेड दे दिया, डायरेक्ट लेबर आवर दे दिया, राइट। तो पार्ट वन ट्रेडिशनल का ही होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे दिया, लेबर कॉस्ट दे दिया, ए का 3 घंटा है, उसका 4 घंटा है। तो देखो 3 घंटा इंटू 3200 यूनिट है ना, 3200 यूनिट इंटू 3 घंटा 9600, और उसका 3850 इंटू 4 करिए 3850 × 4 15400। तो मिला के आपका 25,000 घंटा लेबर आवर हो गया ना। नहीं देता तो अपने इस तरीके से निकालते टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है ना। 15 लाख का फर्दर क्लासिफाई कर दिया है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग। नाउ देखा इसमें मशीन वर्ड बोल दिया है तो वॉल्यूम नहीं लेंगे, मशीन आवर दे दिया है, राइट। इंस्पेक्शन आवर, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, बहुत सिंपल सा सम है, अपने को करना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। अज्यूमिंग द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेंड, ठीक है ठीक है। और एक्टिविटी का भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, बेस हेमिलियन कॉस्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर एज एप्लीकेशन बेस, कॉस्ट डिस्टॉर्शन निकालना है फॉर ईच यूनिट, ठीक है। वो तो लास्ट पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपने फटाफट एकदम स्पीड में। तो पहला है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसके बाद है हमारा तो फर्स्ट कॉस्ट, फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है, यस और नो। द वेरी फर्स्ट पार्ट रिलेट्स टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड लेबर आवर, दैट कम्स टू 15 लाख बाई 25,000 घंटा, कितना आ रहा है 60 पर आवर। ठीक है, सो कॉस्ट पर यूनिट निकालना है हम लोगों को, ए का बी का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है आपका 350 और 400। डायरेक्ट वेजेस, दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए रेट सेम है, रेट पर आवर, बट आवर्स अलग अलग है, 3 घंटा 4 घंटा। तो इसलिए यहाँ पे 360 आ रहा है, यहाँ पे 480 आ रहा है। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 60 रुपया घंटा के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 घंटा है तो 180, यहाँ पे 240। बोलिए एट नाइन्टी 1120 आ गया,
इज दैट फाइन? अभी अपने को करना है पार्ट टू, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट? सो एक्टिविटी कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ ड्राइवर, कॉस्ट पर ड्राइवर, राइट? ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, 3 लाख, 10 लाख, 2 लाख, ये जाएगा परचेज ऑर्डर, ये जाएगा मशीन आवर, ये जाएगा इंस्पेक्शन आवर, छः सौ ऑर्डर, पचास हजार आवर, 20 हजार आवर, राइट? तो ये तो आ जाएगा 500 पर आवर, पर ऑर्डर, सॉरी 500 पर पीओ, ये हो जाएगा 20 पर आवर, और ये हो जाएगा 10 पर आवर। अभी ओवरहेड एलोकेशन, प्रोडक्ट वाइज ए बी ऑर्डर प्रोसेसिंग में 500 है ना, तो 500 इंटू 400, 2 लाख इधर आएगा, 1 लाख इधर आएगा। मशीन प्रोसेसिंग का 20 रुपया घंटा है, तो 4.5 लाख यहाँ आएगा इंटू 22,500, और 5.5 लाख यहाँ आएगा। इंस्पेक्शन 10 रुपया घंटा है, तो 50,000 यहाँ आएगा, 1.5 लाख यहाँ आएगा। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 7 लाख डिवाइडेड बाय 3200, यहाँ पे 8 लाख डिवाइडेड बाय कितना है, 3850, राइट? यू हैव टू बी फास्ट बेटा।
7 लाख डिवाइडेड बाय 3200, 218.75, और ये है 8 लाख डिवाइडेड बाय 3850, 207.79। ऐसे ही किया हम लोग, पहले कॉस्ट पर ड्राइवर वाला बोला है, कॉस्ट ड्राइवर्स निकालने के लिए अलग से। अच्छे से पढ़िए, ओवरहेड एलोकेशन कर लिया, अब निकाल लेंगे हम लोग कॉस्ट पर यूनिट, ए बी डायरेक्ट मटेरियल जो भी है 350-400, डायरेक्ट वेजेस 360-480, ओवरहेड पर यूनिट 218.75-207.79। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, 710, 928.75। राइट, और यह आएगा 1087.79। इज दैट फाइन? अभी कॉस्ट डिस्टॉर्शन बोला है तो पार्ट थ्री बहुत सिंपल है, ओवरहेड एज पर एब्जॉर्प्शन कितना कितना आया था, 180-240, ओवरहेड एज पर एबीसी 218.75 और 207.79। तो ये तो आ रहा है माइनस 38.75 और ये आएगा प्लस 32.21। एब्जॉर्प्शन को बेस लेने बोला है, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फास्ट है बट करने में टाइम लगा। देखो इस क्वेश्चन को करने में हमको 34 मिनट्स लग गया। थोड़ा बहुत मैंने समझाया भी है, आपको इतना स्मूथ होना पड़ेगा कि आपका कलम सोचने के लिए रुके नहीं। थर्टी फोर हो जाएगा, 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। राइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6A। नाउ थ्योरी में आप लोग ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल बोला है पहला थ्योरी, राइट? तो बहुत सिंपल है, हमारे नोट्स में मैंने दिखाया है, राइट? कॉस्ट कंट्रोल में रिपेयरिंग आता है और कॉस्ट रिडक्शन में रिप्लेसमेंट आता है।
एग्जिस्टिंग कंडीशन में वी ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड वी रिप्लेस द एग्जिस्टिंग विद द न्यू वन एंड न्यू स्टैंडर्ड इज सेट. कॉस्ट कंट्रोल इज कंजर्वेटिव अप्रोच एंड कॉस्ट रिडक्शन इज एग्रेसिव अप्रोच, राइट? सो बोथ आर कॉस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन. हैवी इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन, राइट? Is it fine? Next. What are the cases when a flexible budget? 6B मेरे को flexible budget का पूछा है. बल इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एट वेरियस एक्टिविटी लेवल्स. यही मतलब होता है फ्लेक्सिबल बजट का, राइट? फिजिबल प्रोडक्शन निकालने में मदद करता है. तो व्हाट आर द केसेस व्हेन अ फ्लेक्सिबल बजट इज फाउंड सूटेबल. राइट, नया बिजनेस के केस में अपनी डिमांड नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, तो इसीलिए वी नीड कॉस्ट एट वेरियस कैपेसिटी लेवल. राइट, तो सूटेबिलिटी बहुत सारा है. राइट, अगर सेल चेंज होता है या सीजनल फ्लक्चुएशंस दिखाना है, आप लोगों को पॉइंट्स लिखाया हुआ है सीजनल फ्लक्चुएशन, चेंजेस इन सेल. तो फ्लेक्सिबल बजट है तो आप इजीली उसको एनालिसिस कर पाइएगा. राइट, new products, keeps on introducing new products, right? Now next question है हमारा integrated accounting का. Now integrated accounting में हमने क्या बताया था, cost of financial books अलग अलग नहीं एक साथ बनता है. तो सबसे पहला advantage हो गया, reconciliation करने का दरकार नहीं है, दो books of accounts का दरकार नहीं है, right? तो इसका advantages क्या है, no need for reconciliation. Right, less efforts, effort कम देना पड़ेगा हमको, ज़्यादा मेहनत नहीं है, less time consuming, economical है. राइट, 6D डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है अदर देन मटेरियल एंड वेजेस. डायरेक्टली ट्रेसेबल पर यूनिट अदर देन मटेरियल एंड wages, right? Uska how these are measured and their treatment in cost accounting. Royalty paid for production, main tumhara formula use karke production kar raha hu. Royalty paid on production, direct expenses ka example de raha hu. स्पेसिफिक कोई प्लांट एंड मशीन तो उसका हायर चार्जेस, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल प्लांट, राइट? तो इस तरीके से
तो डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फॉर्म्स पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, राइट। सिक्स ई लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग बोला है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है मेरे को डिफिकल्टी इन कॉस्ट एनालिसिस फिक्स्ड और वेरिएबल में, राइट। जैसे स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज, इसका प्रोडक्शन से कोई नाता ही नहीं है, डिपेंडेंस ऑन की फैक्टर, अंडर स्टेटिंग स्टॉक वैल्यूज, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं होता है, तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। पांच नंबर के लिए 5 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट, राइट। सो दिस कंप्लीट्स अवर मे 2019। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग और पेपर सॉल्व करेंगे, राइट। एज प्रोमिस्ड आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल बी सॉल्विंग at least 5 to 7 papers, right? So thank you, have a nice day.